जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ, ताकि आपको हमेशा नई जानकारियों के साथ नए नए वीडियो मिलते रहे। उसी कड़ी में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आपकी राशि का गुरु मंत्र कौन सा है। वो गुरु मंत्र आपको जानना ज़रूरी है, और बहुत बार ये पूछा जाता है कि हमारा गुरु मंत्र क्या है, कैसे क्या है, और इस विषय पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज उसी पर ओवरऑल बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है, पूरी जानकारी आपकी। जो भी आपके इष्ट देव है, जैसे बहुत से लोग शिव जी को मानते हैं, बहुत से लोग गणपति जी को मानते हैं, बहुत से लोग राम को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हो, आप उनके नाम को अपना गुरु मंत्र बना सकते हो। और मैं प्रिफेयर करता हूँ कि आप गुरु भगवान को बनाएं। किसी इंसान को जो आप बनाना, देखिए बना सकते हैं, लेकिन वो पात्र होना चाहिए। अगर आपके मन में वो पात्र लगता है तो बाकायदा आप बना लीजिए, मैं उसका समर्थक हूँ। लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, व्यक्तिगत ये बात आपको मैं बता दूँ, कि गुरु अगर आपको बनाना ही है तो ईश्वर को बनाइए। हाँ, अब ये कमेंट्स में आपको ज़रूर बताइए कि आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, कि गुरु ईश्वर को बनाना चाहिए या गुरु किसी इंसान को बनाना चाहिए। जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। तो गुरु जिन्हें बनाना है आप उन्हें बना लीजिएगा, वो मंत्र देंगे, वो मंत्र तो आप जाप कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अब हम ऐसे व्यक्ति को कहाँ ढूंढेंगे, या किस तरह से वो मिल पाएंगे, या क्या चीज़ है, गुरु हमारा मार्गदर्शक होता है, हमारा मार्गदर्शन करता है हमें। तो हमें ऐसा गुरु चुनना चाहिए कि जो हमें सरलता से उपलब्ध हो जाए, और वो ईश्वर है। अब सभी अपनी परेशानियाँ ईश्वर को बताइएगा, उसका हल वो जरूर निकालेगा। एक बहुत बड़ा मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात है, अब मंत्र मान लीजिए आपने जो भी आपके इष्ट ने उनका ले लिया मंत्र, अब मंत्र का जाप कैसे करेंगे। गुरु मंत्र का जाप आप कंटिन्यू करते रहें, उठते बैठते घूमते फिरते, जब भी आपका मन हो उसका जाप आप करते रहें। बिल्कुल मन को शांत रखें, बिल्कुल सरल रहें, सहज रहें, कुछ भी उत्तेजित कार्य ऐसा ना हो। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप गुरु बनाते हैं तो मांसाहार जो है उसे छोड़ दीजिए, शुद्ध शाकाहारी की ओर अपना प्रस्थान कर लें, व्यसनों को छोड़ दें। ये तमाम चीज़ें, देखिए आप बोलते हैं कि इनको खाने से होता क्या है, होता ये है कि इनसे हमारे शरीर में निगेटिविटी आती है, और गुरु मंत्र का जो काम है वो पॉजिटिविटी का है। और पॉजिटिविटी का स्तर है पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। जब आप स्तरों पर जाते हैं, एक से जब दूसरे स्तर तक आप जाते हैं, और उसमें अगर आप इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो आप तीसरे स्तर तक नहीं जा पाएंगे, और बल्कि नीचे डाउनफॉल में आएंगे, आप बड़ा नेगेटिव हो जाएंगे, जीवन में परेशानियां बढ़ जाएगी, ये चीज़ें हमारे साथ घटित होने लग जाती। तो आप जितना हो सके शुद्ध शाकाहारी रहने की कोशिश करें, क्योंकि शाकाहार से ही मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं, बहुत सारी बातें जो हैं वो हमें ओपनली, हम एक अलग ही माइंड सेटअप हमारा हो जाता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली और वैज्ञानिक रूप में इस बात को मान रहे हैं कि अध्यात्म जो शुद्ध शाकाहार बता कहलाता है, और उसकी जो अनुभूतियाँ है वो बहुत अद्भुत और अलग है। ये भी विज्ञान ने, वैज्ञानिक तर्क, वैज्ञानिकों का तर्क है। तो आपको गुरु मंत्र जो भी आपका इष्ट उन्हें ले लीजिएगा, और अगर आपको अंत में कुछ समझ नहीं आता है तो आप महामृत्युंजय या श्री राम ये छोटा सा मंत्र ले लीजिएगा, या अपने माता पिता का नाम भी आप गुरु मंत्र में बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी हमारे पहले गुरु। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा आप कमेंट्स पहले तो खुलकर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे ताकि आपको हमेशा मैं इसी तरह के वीडियो उपलब्ध कराता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपकी राय खुलकर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।